तो आज हम देखेंगे बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा और इस बूलियन अलजेब्रा को मैं लैटिस से भी आपको है ना रिलेट करा के एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले है तो मैं डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि उसमें लैटिस भी आपका रिलेट हो जाएगा। तो डेफिनेशन है इस तरह से है कि ए बूलियन अलजेब्रा अलजेब्रा, ठीक है, जनरली इसे डिनोट करते हैं बी से, बी इज ए सेट, ठीक है। देयर इज थ्री ऑपरेशन, एक प्लस इन टू मीन्स एंड इट इज ए नॉट एंड टू एलिमेंट्स, इट इज ए लीस्ट एलिमेंट को मैं जीरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट एलिमेंट को, ठीक है ना। वेयर अगर देखा जाए तो वेयर अगर मैं इतना सा पोर्शन लेता हूँ प्लस एंड इनटू, दैट मींस प्लस क्या था आपका, प्लस था आपका ज्वाइन और इसको हम एल यू पी भी बोल सकते हैं, एंड इनटू ये आपका क्या एंड, इसको हम जी एल बी बोल सकते हैं और मीट भी बोल सकते हैं। तो मैं इस तरह को इस तरह से लिख सकता हूँ, वेयर दिस इज अ लैटिस विथ बाइनरी ऑपरेशंस में आपके टू बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एक तो प्लस है और दूसरा आपका प्रोडक्ट है। कॉल्ड, एक सेकंड मैं अभी दोबारा रिपीट करता हूँ, कॉल्ड द ज्वाइन एंड मीट वंस, मैं राइट डाउन कर लेता हूँ रिस्पेक्टिवली एंड नॉट इज यूनरी ऑपरेशन, इन बी द एलिमेंट जीरो एंड वन आर लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ द लैटिस बी प्लस एंड प्रोडक्ट बी इज कॉल्ड अ बूलियन अलजेब्रा इफ द फॉलोइंग एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट बी। एग्जाम्स में आपको बताता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन ऊपर से पूरा ले लूँगा। पहला एग्जाम्स एग्जाम्स को मैं V1 से डिनोट कर रहा हूँ, इट इज़ ए आइडेंटिटी लॉ। सो आइडेंटिटी लॉज में आपके पास दो लॉज आ जाते हैं, इसलिए मैं लॉज कर देता हूँ। वो लॉज आपके पास हैं ए प्लस जीरो इजक्वल टू ए प्रोडक्ट विथ वन इजक्वल टू ए, बी टू इट इज ऑल कॉल्ड कॉमिटेटिव लॉ, कॉमिटेटिव लॉ
कॉम्पिटिटिव लॉबी दोनों ऑपरेशंस के लिए होंगे, इट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ए प्रोडक्ट विथ बी इज इक्वल टू बी प्रोडक्ट विथ ए। बी थ्री इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बोथ ऑपरेशंस के लिए होंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सेम मैनर में ए प्रोडक्ट विथ बी प्रोडक्ट विथ सी इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट विथ बी प्रोडक्ट विथ सी। बी फोर इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वंस एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द प्रोडक्ट, सो इट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, और अनदर इज प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन, सो इट इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। एंड बी फाइव, बी फाइव इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉस, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू वन, वन मीन्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट, एंड ए इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो, दैट इज लीस्ट एलिमेंट। अब मैं ऊपर से फिर से डेफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अब बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास कितने होंगे, टू बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, यानी कि आपके पास प्लस, जिसको मैं और भी बोलता हूँ, जिसे बूलियन अलजेब्रा में से हम और बोलेंगे, ठीक है। लैटिस के केस में इसको हम एलयूबी या ज्वाइन बोलते थे। दूसरा आपके पास प्रोडक्ट, इसको हम बूलियन अलजेब्रा में एंड बोलते हैं, ठीक है, और लैटिस के केस में हम जीएलबी एंड मीट बोलते हैं। एक यूनरी ऑपरेशन आएगा, यानी कि ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए एडिशन को और है ना प्रोडक्ट को आपको एटलीस्ट टू एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई इट इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन। और एक आपके पास यूनरी ऑपरेशन होगा, इट इज़ ए नॉट, ठीक है ना, यानी कि जीरो का नॉट निकालेंगे या टू का नॉट निकालेंगे तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का नॉट होगा तो क्या ट्रू हो जाएगा, और देयर आर टू एलिमेंट्स जीरो एंड वन विच इज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट, वन इज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड जीरो इज लीस्ट एलिमेंट। अगर मैं इतना पोर्शन लेता हूँ बी मीट, ठीक है, एंड ज्वाइन, यानी कि एंड एंड और, तो ये क्या होगा, लैटिस होता है, इट इज़ ए कॉल्ड लैटिस, जहाँ पर आपके पास दो ऑपरेशन होते हैं ज्वाइन एंड मीट रिस्पेक्टिवली, क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास एक और आ जाता है, इट इज़ नॉट, ये आपको मैं बता चुका हूँ यूनरी ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना, वेयर द एलिमेंट्स जीरो एंड वन लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, क्लियर। अब ये आपका ये स्ट्रक्चर आपका बूलियन अलजेब्रा कब कहलाएगा, जब बूलियन अलजेब्रा फॉलोइंग एग्जाम्स को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो पहला है आपका आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, यानी कि एलिमेंट ए का मैं ज्वाइन या एलयूबी या मैं कहता हूँ यहाँ पर इस केस में और निकालता हूँ, किसके साथ, लीस्ट एलिमेंट के साथ, तो वही एलिमेंट आएगा, ठीक है। एंड अगर मैं एंड करता हूँ वन, ए का वन के साथ यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट के साथ, तो इक्वल टू वही आएगा। और अगर देखा जाए तो ये लैटिस के केस में, बाउंडेड लैटिस में मैं आपको ये बताया है, मैंने आपको बोला था कि मैं लैटिस से भी रिलेट करा दूंगा, तो ये बाउंडेड लैटिस की प्रॉपर्टी, यानी जीरो वन आपके पास क्या है, जहाँ पर लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट होते हैं, क्लियर। अगेन बी टू इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव लॉ, ए का बी के साथ मैं एंड और निकालूं या बी का ए के साथ औरिंग करूं, ठीक है, यानी कि अगर मैं लैटिस में बोलता तो मैं आपसे ये कहता था कि ए और बी का मैं या तो ज्वाइन करूं या बी ए का ज्वाइन करूं, इक्वल आएंगे, सेम मैनर में लैटिस में ए
बी का आप मीट निकालें या जी एल बी निकालें, इक्वल टू बी और ए क्या मीट के या और जी एल बी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी भी आप लैटिस की टेबल बनाते समय मैं आपको यूज़ करना बताया था कि ये आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स थर्ड है आपके पास एसोसिएटिव लॉ, ये आपका और एंड दोनों के केस में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, यानी कि अगर मैं लैटिस के फॉर्म में बताऊं तो ये मीट और ज्वाइन दोनों के केसेस में आपके क्या एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेंगे, क्लियर। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की क्या है आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। सो इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की ये प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक बार अगर डिस्ट्रीब्यूटिव की लैटिस के फॉर्म में बात करूँ तो ज्वाइन डिस्ट्रीब्यूट हुआ किस पर, मीट पर, और दोबारा में अगर देखा जाए तो मीट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पर, ज्वाइन पर, यानी कि जी एल बी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एल यू बी पर, और फर्स्ट केस में आपको क्या हो रहा है एल यू बी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जी एल बी पे, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये एंड और हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। वी फाइव कॉम्प्लीमेंट लॉ, और अगर ये देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस के लिए मैंने यही प्रॉपर्टी आपको लैटिस के केस में बताई है, जहाँ पर आप है ना किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या होता है, अगर ए का ए कॉम्प्लीमेंट है तो अगर मैं उसका ज्वाइन निकालता हूँ उसके साथ, किसके, ए के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट के साथ अगर मैं ज्वाइन निकालता हूँ, डेट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए, और ये कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ अगर मैं मीट निकालता हूँ तो डेट इज इक्वल टू लीस्ट एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट लॉ की कॉम्प्लीमेंट लैटिस की प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर देखा जाए तो बूलियन अलजेब्रा अपने आप में क्या हुई, एक लैटिस हुआ विच इज़ कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर इन टोटल मैं बोलता हूँ कि अ लैटिस विच इज़ कॉम्प्लीमेंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा, क्लियर। तो डेफिनेशन अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में आपको केवल केवल ये फाइव जो है प्रॉपर्टीज़ हैं ये होल्ड करानी है। अगर ये फाइव प्रॉपर्टीज अगर होल्ड हो जाती हैं, यानी फाइव एग्जाम्स होल्ड हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है आपका बूलियन अलजेब्रा बन जाता है। इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लियर। सो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है आपका लेट D70 बी द सेट ऑफ डिवाइजर, बट ओबियसली बात है D70 आपका क्या है, सेट ऑफ डिवाइजर्स हैं, ठीक है, ऑफ 70 डिफाइन, ठीक है, थ्री ऑपरेशंस होते हैं, प्लस प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन D70Y, इस तरह से डिफाइंड है, ए प्लस बी इज इक्वल टू एल सी एम ऑफ ए बी, इट इज एल सी एम ऑफ ए बी, तो इट इज डोनेटेड बाई ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो इट इज एल सी एम ऑफ ए बी, ए प्रोडक्ट विथ बी डेट इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी, एंड थर्ड ऑपरेशन जैसे डिफाइंड है ए का कॉम्प्लीमेंट वो डेट इज इक्वल टू होगा 17 by A, क्लियर। क्वेश्चन है आपसे सो डैट D70 इज अ बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, विथ वन एज जीरो एलिमेंट एंड 70 एज द
यूनिट एलिमेंट. क्लियर. अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट का मतलब इट इज़ ए लीस्ट एलिमेंट. तो वन आपका क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, एंड 70 इज ए यूनिट एलिमेंट, डेट मीन्स इट इज़ ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट. सो यूनिट एलिमेंट को हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलते हैं और जीरो एलिमेंट को हम लीस्ट एलिमेंट बोलते हैं. क्लियर. सो आपको D70 दिया हुआ और इस ऑपरेशंस आपके तीनों इस तरह से डिफाइंड है और आपको प्रूव करना है कि D70 की आपका क्या है, बूलियन अलजेब्रा है. ठीक है ना. तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकल बनाने से पहले मुझे D70 निकालना होगा. क्लियर. सो D70 इक्वल टू एलिमेंट्स होंगे, इट इज़ सेट ऑफ डिवाइजर. ठीक है. अब 70 तो वन कैन डिवाइड 70. सी मेरे में 2, 5, 7, 10, 14, 35 and 70. क्लियर. नाउ अब आपको जो प्रूव करना है, वी हैव टू सो ठीक है, D70 along with two binary operation and one unary operation with greatest element or least element. So least element is here it is a 1 or greatest element it is a 17. It is given on the question. ठीक है. ये दिया है 70 आपके पास क्या है, यूनिट एलिमेंट, डेट मीन्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट, एंड 1 इज एज ए जीरो एलिमेंट विच इज लीस्ट एलिमेंट. तो आपको ये शो करना है, वी हैव टू शो इज बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा. ठीक है ना. तो बिफोर गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्स, ठीक है, हम इन दोनों की बाइनरी ऑपरेशंस की, दोनों बाइनरी ऑपरेशंस की और यूनरी ऑपरेशंस की हम टेबल तैयार कर लेते हैं. सो ज़्यादा इजी होगा रैदर देन कैलकुलेशन से. सो पहला हम ऑपरेशंस बना रहे हैं, इट इज़ ए प्रोडक्ट, सॉरी एडिशन का. हियर इट इज़ ए 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 and 70. 1, 2, 5, 7, 10, 14 and 35, 70. कुछ छूटा. ठीक है. किस तरह से डिफाइंड है, ए प्लस बी डेट इज इक्वल टू एल सी एम ऑफ ए कॉमा बी. सो इसके 1, 2 जो आएगा, 1 का ऑपरेशन 1 के साथ 1, 1 का 2 के साथ 2. ठीक है ना. 1 और 2 में एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा. 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा. 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा. सिमिलर में 10, 14, 35 and 17. सो कॉम्पिटेटिव की प्रॉपर्टी, क्योंकि ए बी का एलसीएम निकालो या बी ए का निकालो, एक ही होगा. सो हियर इट इज़ ए 5, 7, 10, 14, 35 and 17. 2, 2 का एलसीएम 2, 2 and 5 का एलसीएम इट इज़ ए 10, इट इज़ ए 14, 10, 14, 70 and 70. अगेन 10, 14 कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड कर रहा हूँ, 14, 70 and 70. हालांकि हम लोगों को ये प्रूव करना है, 5, 5 का 5, 35, 10, 70, 35 and 70. सो हियर इट इज़ ए 35, 10, 70, 35 and 70. 7, 7 का 7, 70, 14, 35, 70. 10, 10 कॉम्पिटेटिव की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ, सो इट इज 17.
फोर्टीन, 35 एंड 70. 10 10 का 10, ठीक है, या इट इज 70 70 70, इट इज 70 70 एंड 70. 14 14 का आपका होगा 14 14, 70 एलसीएम और 70 का 70 एंड 70. 35 थर्ड का 35 के साथ 35 एलसीएम एंड 35 70 का एलसीएम इट 70. हियर इट इज 70 एंड हियर इट इज 17. दिस इज अ फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन. सेम मैं एक और टेबल बनाऊंगा सेकंड बाइनरी ऑपरेशन की. सो सेकंड बाइनरी ऑपरेशंस आपका डिफाइंड है, वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है. पहले एलिमेंट लिख लेता हूँ, 1 2 5 7 10 14 35 एंड इट इज 70. सो 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70, ठीक है. और अब मैं यहाँ पर जी सी डी निकालूंगा, यानी कि ए अगर बी के साथ मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो डेट इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी. क्लियर? सो इट इज ए वन का वन के साथ जी सी डी निकालूंगा तो वन, ऑल इट इज ए वन. सेम मैनर में वन का टू के साथ निकालो या टू का वन के साथ निकालो तो इक्वल आएगा जी सी डी. इट इज ए कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी. सेम इट इज ए टू, 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2. 5 का 5 के साथ जी सी डी 5 1 5 1 5 5. सो इट इज ए 1 5 1 5 एंड 5. 7 7 का 7 जी सी डी 1, इट इज 7 7 7. तो 10 1 7 7 एंड 7. 10 10 का 10, 2 5 10, हियर इज ए 2 5 10. 14 का 14 के साथ इट इज ए 14 7 एंड 14, सेम 7 एंड 14. हेयर 35 एंड 35 35, हेयर इट इज ऑल्सो 35 35. 70 70 का 70 जी सी डी. क्लियर? एक और टेबल बनानी पड़ेगी आपको, इट इज ए यूनरी ऑपरेशन की, इट इज ए नॉट, ठीक है ना. सो मैं यहाँ पर एक और टेबल बना लेता हूँ नॉट की. तो 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70 आर द मेंबर्स ऑफ D70. और यहाँ पर मैं ऑपरेशन नॉट डिफाइंड कर रहा हूँ. नॉट डिफाइंड कुछ इस तरह से था, इट इज अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो डेट इज इक्वल टू 17 बाई ए. क्लियर? तो ए की वैल्यू मैं 1 रखूँगा. क्लियर? अगर ए की वैल्यू 1 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, 70. वैसे भी अगर देखा जाए तो 1 लीस्ट एलिमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है. क्लियर? ठीक है ना. अब ए इक्वल टू मैं 2 रखता हूँ तो 17 बाई 2 डेट इज इक्वल टू 35. 5 रखूँगा ए इक्वल टू तो डेट इज 17 डिवाइडेड बाई 5, इट इज ए 14. सेम मैनर में 10 7 5 2 17, यानी कि इट इज ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसका कितना हो जाएगा, लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा. यानी 70 बाई 70 इट इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू लीस्ट एलिमेंट. इस तरह से हमारे कॉम्प्लीमेंट्स निकल गए. क्लियर? तो हमारे पास 3 टेबल तैयार हो गई. अब मैं पहला एग्जाम सेटिस्फाइड करता हूँ. V1 था, विच इज आइडेंटिटी लॉ, ठीक है.
तो आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ आपका क्या बोलता है कि ए का मैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट, नहीं सॉरी, लीस्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा है कि ए का अगर प्रोडक्ट मैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स यानी 70 के साथ करता हूँ तो इक्वल टू मुझे वापस वही एलिमेंट मिलना चाहिए। इन टोटल ये जो बाउंड्री लैटिस की प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है ना। अब ए कैन बी फ्रॉम 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70, कुछ भी हो सकता है। यानी कि इट इज़ ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू D70, क्लियर। तो मैं दोनों की टेबल देख लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम ये चेक कर रहे हैं ए का फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, डेट इज एडिशन विथ लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ कि ये आपका, लेट सपोज इट दिस इज द लीस्ट एलिमेंट, वन इज़ द लीस्ट एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट यानी कि यहाँ से मैं ये ए की वैल्यूज़ हो गई, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए। तो अगर मैं वन का वन यानी कि लीस्ट एलिमेंट्स के साथ परफॉर्म करता हूँ तो ए वापस मिला यानी वन मिल गया। टू का मैं एडिशन वन के साथ करता हूँ यानी लीस्ट एलिमेंट के साथ टू वापस मुझे मिला, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाइड होगी, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी, ए प्लस वन यानी लीस्ट एलिमेंट इक्वल टू ए, ये सेटिस्फाइड, ठीक है, फ्रॉम द टेबल, क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी ऐसी में आइडेंटिटी लॉ की कह रही थी कि अगर वो 70 आपका क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट के साथ हम मैं बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करूँ प्रोडक्ट का, डैट इज इक्वल टू वापस ए मिलना चाहिए, ठीक है, यानी ठीक है ना। तो 17 आपका क्या हुआ, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो हम इसका मीट निकालते हैं यानी जीएलबी निकालते हैं, ठीक है। 70 ये रहा और एलिमेंट्स ये रहे हैं आपके वन, वन का 70 के साथ आपने प्रोडक्ट परफॉर्म किया तो डेट इज इक्वल टू वन, टू के 70 के साथ तो इक्वल टू टू मिला, वही सेम एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर वही सेम एलिमेंट्स मिले जिसके साथ आपने 70 के साथ गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये सेटिस्फाइड, ठीक है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना, फ्रॉम दी टेबल्स का मैं नाम डाल देता हूँ, टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, इस तरह से हैं। सो फ्रॉम दी, इस तरह से कॉमन लिख देता हूँ, फ्रॉम दी अबव टेबल, ठीक है ना, इट्स सेटिस्फाइड दी V1, के लिए सेम मैनर में मैं B2 लेता हूँ, इट इज़ ए कॉमिटेटिव लॉ, और कॉमिटेटिव लॉ की आपने प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए दोनों प्रॉप तो बनाई ही है, टेबल बनाई है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कॉमिटेटिव लॉ, कॉमिटेटिव लॉ कहता है कि दोनों बाइनरी ऑपरेशन कॉमिटेटिव होना चाहिए, यानी कि A+B इक्वल टू B+A होना चाहिए, और ए प्रोडक्ट विथ बी इक्वल टू बी प्रोडक्ट विथ ए होना चाहिए, क्लियर। और इट इज़ ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू D17 होना चाहिए, ठीक है, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू D17, ठीक है। इट इज़ ए क्लियर फ्रॉम दी अबव टेबल, दोनों टेबल अगर देखते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस के अबाउट आपको सिमेट्री मिल जाती है। मैंने आपको क्लियर बताया कि जब भी आपको है ना कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी चेक करनी है फ्रॉम द टेबल, तो आप ये चीज़ चेक कर लो, प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस के अबाउट आपको क्या मिलनी चाहिए, सिमिट्री मिल जानी चाहिए, यानी कि इन टोटल आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल मिरर्ड इमेज मिलनी चाहिए। सो इट इज़ ए, देखा जाए तो ये इसके लोअर ट्राइंगल एंड अपर ट्राइंगल मिरर्ड इमेज है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर अगर देखा जाए प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस ये रही, और प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस के अबाउट आपको सिमिट्री मिल रही है, यानी कि लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल बोथ आर द मिरर्ड इमेज, एक दूसरे के मिरर्ड इमेज। तो 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर तो 7 यहाँ पर, बिल्कुल एग्जैक्टली 10 यहाँ पर तो 10 यहाँ पर, ठीक है।
सेम, तो ये क्या है फ्रॉम द एबव टेबल, ठीक है, इट्स क्लियर शोज इट इज ए कॉम्यूटेटिव। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द एबव टेबल, एबव टेबल्स होगा, ठीक है, इट इज ए क्लियर, इट इज ए क्लियर क्लियर सोस द कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ बोथ, ठीक है। नाउ बी थ्री, इट इज एसोसिएटिव लॉ, आप कोई भी है ना ए बी सी में से कुछ भी आप उठा लो, ठीक है, लेट सपोज ए प्लस बी प्लस सी आपको करना है, पहला लॉ दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, और दूसरा लॉ कहता है कि ए प्रोडक्ट विथ बी प्रोडक्ट विथ बी सी इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट विथ बी प्रोडक्ट विथ सी, ठीक है। तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं ए इज इक्वल टू, मैं कुछ ले लेता हूँ टू ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू मैं फाइव ले लेता हूँ, एंड सी इज इक्वल टू सेवन ले लेता हूँ, ठीक है, डे 17 के हैं, क्लियर, यानी कि वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू डी 17। पहली वाली प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाइड करके देखते हैं, टू प्लस बी इज फाइव एंड प्लस सेवन डेट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टू प्लस फाइव प्लस सेवन होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो इसमें हम इनकी वैल्यूज रख ले, टेबल से चेक कर लेते हैं, या तो आप यहाँ से निकाल लो या फिर डायरेक्टली आप टेबल से देख लो। तो टू फाइव का, तो अगर टू एंड फाइव का मैं देखता हूँ अब आप टेबल से, सो टू एंड फाइव का जो मिलता है वो इट इज इक्वल टू कितना मिलता है, टेन, सो इट इज इट इज ए टेन, हियर इट इज ए टेन, और टेन प्लस सेवन डेट इज इक्वल टू टेन प्लस सेवन, ठीक है, टेन प्लस सेवन ये रहा इट इज ए सेवेंटी, सो इट इज ए सेवेंटी, क्लियर, सो हियर इट इज ए सेवेंटी। अगेन फाइव प्लस सेवन परफॉर्म करेंगे पहले, तो फाइव प्लस सेवन, फाइव प्लस सेवन, फाइव प्लस सेवन इज ए थर्टी फाइव, यहाँ पर ये फाइव का और सेवन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया तो थर्टी फाइव, सो इट इज ए थर्टी फाइव, और टू का थर्टी फाइव के साथ अगर मैं परफॉर्म करता हूँ टू का थर्टी फाइव के साथ, तो इट इज इक्वल टू सेवेंटी, टू का सेवेंटी थर्टी फाइव के साथ, सो सेवेंटी, यहाँ पर भी सेवेंटी, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिल गया, ठीक है, क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था, ठीक है ना। सेम मैनर में अगर मैं ये भी परफॉर्म करता हूँ टू का ऑपरेशन बाय फाइव के साथ प्रोडक्ट का और सेवन के साथ, डेट इज इक्वल टू टू का ऑपरेशन विथ फाइव एंड सेवन के साथ, और आप अगर ये दूसरी नंबर की टेबल्स के साथ देखोगे तो एल एच एस और आर एच एस आपका क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना, बोथ आर इक्वल। तो फ्रॉम दी एबव टेबल इज सेटिस्फाइड दी क्या था, इट इज बी थ्री एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टीज के लिए यानी वी फोर के लिए आप ए बी सी कुछ भी उठा लेते हैं वहाँ से फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डैट मीन्स आपको एक बार ए प्लस बी इंटू सी यानी कि आपको एडिशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीप्लिकेशन पे, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, और एक बार फिर आपको दोबारा करना होगा बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगेन
फॉर एग्जाम्पल आप ए बी सी कुछ भी लेके दोनों टेबल से है ना इससे आप चेक करेंगे, ठीक है ना। लेट सपोज अगेन मैं ए इक्वल टू टू ले लेता हूँ, ठीक है ना, एंड बी इक्वल टू मैं फिर से फाइव ले लेता हूँ, सी इक्वल टू सेवन लेता हूँ, और ये दोनों प्रॉपर्टी अगर होल्ड करते हैं टेबल से आप वैल्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है, तो एल एच एस और इक्वल आर एच एस आएगा, यानी कि टू प्लस फाइव इंटू सेवन इक्वल टू टू प्लस फाइव इंटू टू प्लस सेवन, ये सेटिस्फाइड होगा फ्रॉम दी अबव टेबल, चेक कर लेना, ठीक है। और सेम मैनर में टू इंटू फाइव प्लस सेवन इक्वल टू टू इंटू फाइव प्लस टू इंटू सेवन, क्लियर। ये एल एच एस और आर एच एस दोनों साइड के इक्वल आएंगे, ठीक है, एल एच एस और आर एच एस इक्वल होंगे, टेबल से चेक हो जाएगा ईजिली। सो यू हैव चेक एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है कि नहीं, यानी कि इन टोटल डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं, ठीक है, इट्स होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एट लास्ट वी फाइव, अगर ये एग्जाम भी आपका है ना सेटिस्फाइड कर देता है, यानी कि आपके पास कौन सा है, इट इज़ ए कॉमेटेटिव लॉ, इट इज़ ए कॉमेटेट में कॉम्प्लीट लॉ, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ डेट इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और ए का प्रोडक्ट करेंगे उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या मिलना चाहिए, लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं इसको, ए का एडिशन विथ कॉम्प्लीमेंट सो इक्वल टू कितना, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो मैं पहली वाली टेबल पे जा रहा हूँ, ठीक है ना, वन का कॉम्प्लीमेंट कितना निकला था, वन का कॉम्प्लीमेंट कितना था, 70 था, तो 1 का 70 के साथ मैं यानी 1 एलिमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट 17 के साथ मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो डैट इज इक्वल टू 17, यही तो बोला गया था, ए डैस इक्वल टू 17, ठीक है ना। और मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट सपोज मैं 5 का देखता हूँ, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला था आपका, 14 निकला था, तो 5 का मैं 14 के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, 5 का 14 के साथ ये रहा 14 कॉम्प्लीमेंट एंड 5 इज़ द एलिमेंट, और एडिशन क्या हुआ आपका, क्या निकला, इट इज़ ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सेम मैनर में 5 का 17 के साथ यहाँ पर मैं चेक करूँगा, 5 का 14 के साथ तो डेट इज इक्वल टू मुझे कितना मिलता है, लीस्ट एलिमेंट मिलता है, यानी कि ए का ये एडिशन था, ये मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये क्या लिखा मैंने, गलत लिखा था, ठीक है, ए का एडिशन विथ कॉम्प्लीमेंट डेट इज इक्वल टू 17, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ डेट इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, लीस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने 5 लिया, 5 का आपके पास कितना है, 14 है, 14 आपको मिला था कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वाली टेबल से, तो डेट इज इक्वल टू 1, यस ये 1 मिला है यहाँ पर। सेम मैंने 5 का 14 के साथ मैंने गिवन ऑपरेटिव ऑपरेशन यानी एडिशन परफॉर्म किया था, वो 17 यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल गया था आपको, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जितने भी इसमें कॉम्प्लीमेंट्स हैं, 10 का कॉम्प्लीमेंट 7 है, 14 का कॉम्प्लीमेंट 5 है, 35 का 2 है, 17 का 1 है, ये दोनों प्रॉपर्टीज यानी कॉम्प्लीमेंट लॉ आपके सेटिस्फाइड करते हैं। सो ये आपके कॉम्प्लीमेंट लॉ दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस ऑल द एग्जाम्स एग्जाम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा आर सेटिस्फाइड देयरफोर
D17 along with two binary operation and one unary operation, 1 and 17 is a Boolean algebra. Boolean algebra. Clear?